एंड हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामना। और दोस्तों, आज मैं नए साल से सोची कि मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं 2 दिन से अपने भाई के घर गई थी न्यू ईयर मनाने के लिए, तो इसलिए मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। और मैं ब्लॉगिंग के लिए बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं भी कुछ ब्लॉग करूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ ब्लॉगिंग, क्योंकि मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है। हम माँ बेटे ही सिर्फ हैं और एक मैं सिंगल मदर हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे ब्लॉगिंग करूँगी। तो लेकिन मैंने सोचा चलो आज करती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी मेरी ब्लॉगिंग तो मैं डेली फिर आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी। पहले तो समझ में ये नहीं आता कि मतलब सिंगल मदर को बहुत ही सोचना पड़ता है कि मैं अकेले हूँ तो मैं कैसे ब्लॉगिंग करूँगी, क्या करूँगी। तो आज 2 दिन के बाद मैं घर आई तो मैं सोची, अब अभी मैं रात का डिनर बना रही हूँ, तो सोची कि डिनर बनाते बनाते ही आप लोगों से बातें भी कर लूँगी और अच्छे से एक ब्लॉग भी बना लूँगी। और अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मैं फिर ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सिंगल मदर, तो मैं क्या दिखाऊँ, क्या शेयर करूँ, ना बच्चों को स्कूल भेज सकती हूँ क्योंकि उम्र की इस पड़ाव पे हूँ। 40+ वाली मॉम लोग को बहुत परेशानी होती है कि क्या करूँ, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है ना कि क्या ब्लॉगिंग करूँ, क्या बोलूँ। तो क्योंकि सब कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में, बच्चे या तो पढ़ाई वाले रहते हैं या जॉब वाले रहते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता मुझे भी कि मैं क्या ब्लॉग करूं। तो मैं सोची चलिए आज करती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं फिर से ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे कुछ दो जुड़वा बेटे हैं, तो एक बैंगलोर में है और एक मेरे साथ रहता है। तो मैं सुबह को 9 बजे अपने काम से निकल जाता है, तो फिर मैं सारा दिन अकेले रहती हूँ। पहले मैं 20 साल तक मैं ब्यूटिशियन का काम करके, मेरी बुटीक और पार्लर थी झारखंड, मैं पहले ये बता दूँ कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, बोकारो स्टील सिटी से। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, हस्बैंड 2011 में आई लॉस माई हस्बैंड, तो फिर बच्चे पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए, फिर जॉब के लिए आए, तो मैं जबलपुर MP, मेरा मायके पड़ता है, तो मैं इसलिए जबलपुर में अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रही हूँ। और मैं मायके में भी नहीं रहती, मैं खुद अपने ऊपर डिपेंड हूँ, अपने बच्चों के साथ। अब बहुत मुश्किल से मैंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाया है, और तो इसलिए मैं सोची कि पहले अपने बारे में बता दूँ। और अभी मैं जबलपुर में हूँ, और कोरोना मेरा यहाँ भी मैंने पार्लर खोली थी जबलपुर में भी, लेकिन कोरोना का जब फर्स्ट लहर आया था तो उसके बाद से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे अपना पार्लर सब कुछ छोड़ना पड़ा, और अब मैं सिर्फ घर पे ही रहती हूँ। घर पे अपना ऑनलाइन कलेक्शन का काम करती हूँ, अपने यूट्यूब का काम करती हूँ, और सारा दिन मैं इसी में व्यस्त रहती हूँ। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 45+ की मॉम कैसे अपने आप को बिजी रखे, क्योंकि इसी समय हम मतलब जैसे हम ये उम्र क्रॉस करते हैं तो लगता है कि दरवाजे पे सारे बीमारी रोग खड़े रहते हैं, शुगर BP सब कुछ होना शुरू होता है। तो अपने आप को इतना इंगेज करना है कि हमें किसी मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इधर देखिए मैं एक भी बना रही हूँ और एक बनाते बनाते ही आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो बहुत लंबी मेरी कहानी है। मैं फिर कोशिश करूँगी कि रोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ बहुत ही, और मेरे जानकार में जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल है चाहे फैमिली वाले हैं, सब मुझे आयरन लेडी के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों के साथ संघर्ष किया। और एक सिंगल मदर को अपने बच्चों को समाज में इज्जत की ज़िंदगी देने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो थैंक गॉड कि आज ऊपर वाले की कृपा से बहुत खुशहाल हूँ, दोनों बच्चे अपने पैर पे खड़े हैं और मेरा टाइम ऐसे ही पार होता है। तो अभी मैं जल्दी से पहले एक चली बना लूँ, क्योंकि मैं 2 दिन अपने भाई के घर में रह के न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करके आई हूँ। तो आज खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने बच्चे से भी आप लोगों को मिलवाऊँगी। एक तो बेटा मेरा बाहर है, और पहले तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं ब्लॉग करूँ, तो क्योंकि मैं
घर में सिर्फ अकेली रहती हूँ, मैं अकेले क्या ब्लॉगिंग करूँगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो मैं बात करूँगी, ब्लॉगिंग करूँगी और आप लोगों के साथ अपनी सारी परेशानी, खुशहाली सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से बातें करते करते। और मेरी एक जल्दी तैयार है देखिए, और मैं जल्दी जल्दी खिचड़ी बना लूँ, और क्योंकि ठंड यहाँ जबलपुर में दो दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो मैं इसके साथ, और ये मेरी कढ़ाई पे आप लोग मजेगा क्योंकि मैं ये कढ़ाई में मैं थोड़ा सा पूजा पाठ का ज़्यादा रखती हूँ, तो मैं ये मतलब ये कढ़ाई में ही ज़्यादातर यही से बनाती हूँ। तो कल बहुत मज़ा आया न्यू ईयर में, हम लोगों ने भाई के घर गई थी और बहुत ही इंजॉय किए, क्योंकि हम लोग यहाँ अकेले से रहते हैं तो वहाँ सबके साथ मिलके न्यू ईयर इंजॉय करने में बहुत ही अच्छा लगा। तो वो भी मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब मैं जल्दी से इसमें पानी डाल देती हूँ और इसके बाद फिर जीरा राइस बनाऊँगी, और ठंड बहुत ज़्यादा है और सभी बज रहे हैं 9, तो अब जल्दी से खा करके और फिर हम लोग सोएंगे, क्योंकि सुबह बेटा को अपना काम भी करना है, ऑफिस भी जानी है। तो अब चलिए जल्दी सब इसके साथ जीरा राइस बना लेती हूँ, तब तक। अब मैं आ गई अपने किचन से ड्राइंग रूम में, और घर पूरा अस्त व्यस्त है क्योंकि हम लोग दो दिन के बाद घर आए हैं, तो कल मैं घर को अच्छे से फिर ठीक ठाक करूँगी। अभी ठंड बहुत है, खाना भी हो गई है, तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने। फिर बहुत सारे आइटम बने थे और बहुत इंजॉय किए थे हम लोग। तो गुड नाइट, और फिर मिलती हूँ कल। अगर आप लोगों को मेरी ये ब्लॉगिंग अच्छी लगेगी, और प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ा दीजिए, ताकि मैं भी कुछ अच्छा सा कर सकूँ और अपनी मेहनत को सफल बना सकूँ। और आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगेगी, और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ करनी है। तो मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। ओके, हैप्पी न्यू ईयर, और भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, सबकी रक्षा करे। और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग बंद करती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।